देखिए दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट LDC एग्ज़ाम को लेके। राजस्थान हाईकोर्ट LDC एग्ज़ाम 2022, ये भर्ती 2020 की भर्ती है और ये एग्ज़ाम पहले हो चुका है। ये एग्ज़ाम 13 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था। पेपर आउट होने के कारण इसको रद्द कर दिया गया है और वापस फॉर्म अप्लाई किए गए। और पहले ये पोस्ट 1400 के आसपास थी, 1400-1500। अभी पोस्ट भी यहाँ बढ़ा दी गई है और नए फॉर्म भी यहाँ भरे गए हैं। कम से कम 1-2 लाख यहाँ फॉर्म में वृद्धि हुई है। संभावित एग्ज़ाम डेट कब तक आने की संभावना है? जहाँ तक अभी तक का अनुमान लगाया जा रहा है, पहले एग्ज़ाम दिसंबर में होना था, लेकिन ये भी एग्ज़ाम 10 मार्च से 15 मार्च के बीच कभी हो सकता है। होली के बाद यानी 7 मार्च को होली है, इसके बाद ये एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर है वो 300 अंक का ये पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें किसी प्रकार की नहीं है। देखिए, हिंदी 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश 50 क्वेश्चन, ओनली राजस्थान जी के इसमें शामिल है। करंट के लिए आपको इंडिया और राजस्थान और वर्ल्ड तीनों पढ़ने पड़ेंगे। पिछला पेपर आप उठा कर देख लेना, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन थे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के थे, तो ये आपको वर्ल्ड का करंट भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें विशेष से आप खिलाड़ी से संबंधित जो गेम है उससे रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को अच्छी तरह से देखिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पोस्ट इस बार भर्ती कर दी गई है, 2700 के आसपास ये पोस्ट है और ये टाइपिंग के लिए 3 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे तो यहाँ पर 8100 अभ्यर्थी को कॉल किया जाएगा। तो टाइपिंग के लिए सेफ स्कोर रहेगा। पिछली बार की यदि बात करें तो पिछली बार जनरल की जो 194 थी 300 नंबर में से जिसके 194 नंबर आए, ये जनरल की बात हो रही है, जबकि OBC की थी वो ज़्यादा थी, 228 के आसपास थी। OBC कट ऑफ ज़्यादा गई, जनरल कट ऑफ कम गई। तो फाइनली इस बार यदि कट ऑफ की बात करें कि सेफ स्कोर आपका क्या कितना रहना चाहिए, तो आपको कम से कम 100 क्वेश्चन बिल्कुल ओके करने होंगे, 200 प्लस तो आपको जाना ही होगा, क्योंकि इस बार पोस्ट में वर्दी है तो इसके अकॉर्डिंग ये इतनी रहेगी। चैनल पर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी कोई अपडेट न्यूज़ मिलेगी सबसे पहले आपको बता दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जैसे ही ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तुरंत आपको बता दी जाएगी। काफ़ी कम सिलेबस है ये, इसके बाद टाइपिंग है, उसमें आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी।